ज दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी और आज हम बात करने वाले हैं असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसके बारे में आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने उसका लिंक भी दिया है आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो यदि हम बात करते हैं असम और मिजोरम की जो सीमा विवाद चल रहा है उसके बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुर्खियों में इन दोनों राज्यों के विवाद का क्या कारण रहा है असम और मिजोरम के बीच चल रहे एक भूमिवाद को लेकर सोमवार को दोनों राज्यों के बीच हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई और इसी हिंसा में असम पुलिस के छः जवान यहाँ पर शहीद हो गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मंथांगा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया वहीं मंत्री अमित शाह ने दोनों नेताओं के बीच के विवाद को समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है अब हम इतिहास के पन्नों रेतते हैं और देखते हैं कि यह विवाद कितना साल पुराना है दरअसल औपनिवेशिक काल के दौरान मिजोरम असम का जिला हुआ करता था जिसकी तह लुसाई हिल्स के नाम से यह जाना जाता था मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के जरिए साल उन्नीस में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया असम साल 1950 में भारत का संवैधानिक राज्य घोषित किया गया था 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में नए राज्य बनने से इसके पास भूमि का एक बड़ा हिस्सा यहां पर निकलता है असम और मिजोरम के बीच सीमा निर्धारण असल में काल्पनिक है ये पहाड़ों जंगलों घाटियों नदियों आदि के साथ बदलती रहती है दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद इसी औपनिवेशिक काल से चल रहा है जब ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक अंदरूनी सीमाओं में बदलाव किया गया था असम मिजोरम सीमा विवाद ब्रिटिश काल के तहत पारित दो अधिसूचनाओं से उपजा हुआ है सीमांकन के लिए पारित इन अधिसूचनाओं में से पहली अठारह की अधिसूचना है जिसने लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया और दूसरी अधिसूचना है 1933 की जिसमें लुसाई और मणिपुर के बीच सीमा तय की गई मिजोरम का मानना है कि सीमा का निर्धारण अठारह की अधिसूचना के आधार पर होना चाहिए मिजोरम के नेचा उन उन्नीस की अधिसूचनाओं को स्वीकार नहीं करते उनका कहना है कि इसमें मिजोरम के समाज से सलाह नहीं ली गई थी वही असम सरकार 1933 के सीमांकन को स्वीकार करती है और इसी के परिणाम के स्वरूप दोनों राज्यों के बीच विवाद चला आ रहा है अब अगर बात करते हैं वर्तमान विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है तो असम मिजोरम सीमा पर स्थित जून के अंत में तनावपूर्ण बनी हुई है जब असम पुलिस ने कथित तौर पर एतलांग हनार नामक इलाके को अपने नियंत्रण में लिया था मिजोरम ने असम पर अतिक्रमण का आरोप लगाया और मिजोरम के तीन जिले आइजिल कोलासिब ममित असम के कछार करीगंज और हेलाकांडी जिलों से करीब एक किलोमीटर की सीमा सजा करते हैं 30 जून को मिजोरम ने आरोप लगाया कि असम ने कोलासिब में अतिक्रमण किया असम के अधिकारियों का आरोप है कि मिजोरम ने हेलाकांडी में 10 किलोमीटर अंदर पान की खेती शुरू की है और इमारतें भी बनाई हैं तो यहाँ से यह विवाद की शुरुआत होती है अब हमें यह देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या समाधान निकलता है इस सीमा विवाद का अगला जो भी कोई अपडेट होगा हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप हमसे नए जुड़े हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद